कश्मीर पर दिए प्रशांत भूषण के बयान पर बवाल, कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़। हिंदू रक्षा बल के लोगों ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर बोला हमला, दफ्तर में जमकर मचाया उत्पात। हिंदू रक्षा बल के लोगों ने दफ्तर में जमकर किया हंगामा, प्रशांत भूषण के खिलाफ नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कई घंटे तक मचा रहा कोहराम, हिंदू रक्षा बल के लोगों ने खूब किया हंगामा। कश्मीर को हम लोग खून से सींच रहे हैं, वहाँ पे हजारों जवान मारे जा चुके हैं हर रोज। जिस टाइम प्रशांत भूषण ने ये आजादी वाली बात कही, जनमत वाली बात कही कश्मीर में, उस टाइम भी कश्मीर में आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ हो रही थी। सीसीटीवी फुटेज में हिंदू रक्षा दल के लोगों की दिखी गुंडागर्दी, दफ्तर पर ईंट फेंकते हुए नजर आए। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ने हंगामे को ठहराया जायज, कहा प्रशांत भूषण ने कश्मीर पर बयान देकर देश की जनता का अपमान किया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर तोड़फोड़ के बाद दिल्ली सचिवालय की सुरक्षा बढ़ाई गई, केजरीवाल के घर की भी सुरक्षा बढ़ी। महाराष्ट्र के घोलवट स्टेशन के पास देहरादून एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग, 9 लोगों की मौत, कई घायल। बीती रात करीब 2:30 बजे ट्रेन में लगी आग, स्लीपर कोच S2, S3 और S4 में लगी आग। हादसे के वक्त सो रहे थे सभी यात्री, गेटमैन ने गार्ड को सूचना देकर तुरंत ट्रेन रुकवाई, नहीं तो हो सकता था और बड़ा हादसा। मुंबई के बांद्रा स्टेशन से देहरादून आ रही थी ट्रेन, आग की वजह का अब तक पता नहीं। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए जांच के आदेश, मृतक के परिजनों के लिए 5 लाख मुआवजे का ऐलान। रात 11:35 पर मुंबई से रवाना हुई थी ट्रेन, गुजरात सीमा के करीब घोलवट स्टेशन पार करते ही ट्रेन में लगी आग। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा पुट्टपर्थी में नांदेड़ एक्सप्रेस में आग के बाद ये दूसरी ऐसी घटना। रेल मंत्री ने कहा कि वजह का पता लगाने के लिए मौके पर भेजे गए अधिकारी, कमिश्नर की रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई। वेस्टर्न एक्सप्रेस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 022-230-11853 और 022-230-7388 पर ली जा सकती है सारी जानकारी। देहरादून में भी शुरू हुआ हेल्पलाइन नंबर 01352624002 और 2624003 पर फोन पर ली जा सकती है तमाम जानकारी। स्टडी लीव के नाम पर यूपी के मंत्री और विधायकों की मौज, आज से यूरोप के 5 देशों की यात्रा। यूरोप टूर पर जाने वाले 17 नेताओं में यूपी सरकार के 9 मंत्री, जनता के पैसे पर 18 दिन तक यूके, नीदरलैंड, टर्की में करेंगे मौज। शहरी विकास मंत्री आजम खान के नेतृत्व में जा रहा है प्रतिनिधिमंडल, राजा भैया, अंबिका चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, राजा अरिदमन सिंह भी शामिल। बीजेपी विधायक सीमा द्विवेदी के साथ कांग्रेसी विधायक भी विदेश दौरे पर, बीएसपी नेताओं ने किया इनकार। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के नाम पर विदेश दौरा, यूपी सरकार खर्च कर रही है 1 करोड़ रुपए। यूपी के मंत्रियों के विदेश दौरे पर सियासी बवाल, बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु बोले अखिलेश सरकार के फैसले पर हैरानी। रेल विभाग पूरी तरह सरकारी है, रेल मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस पर त्याग पत्र पर विचार करना चाहिए। विदेश दौरे पर अखिलेश के मंत्री आजम खान की चुप्पी, सवालों का जवाब दिए बिना निकले यूरोप दौरे पर। कोयला घोटाले में 2 नए केस दर्ज, बीएलए इंडस्ट्रीज, कास्टन माइनिंग, कास्ट्रन टेक्नोलॉजीज के अलावा सरकारी अधिकारियों के नाम। अयोग्य कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटन का मामला, नियमों के खिलाफ बीएलए को
मिला कोयला खनन का अधिकार। कोयला घोटाले के नए केस की जांच जारी, धनबाद, नरसिंहपुर, मुंबई और कोलकाता में सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में प्रवासी भारतीय के सम्मेलन में बोले पीएम, कहा यह कहना गलत होगा कि पिछले दशक में विदेशों में भारत की छवि कमजोर पड़ी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रवासी भारतीयों से कहा आने वाले दिनों में उन्हें निभानी होगी बड़ी भूमिका। भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिल्ली सरकार आज करेगी हेल्पलाइन नंबर का ऐलान, घूस मांगने वाले अफसर को पकड़वाने के काम आएगी हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने किया था ऐलान, काम के बदले पैसे मांगने पर हेल्पलाइन में की जा सकेगी शिकायत। दो दिन पहले एंटी करप्शन यूनिट के साथ केजरीवाल ने की थी बैठक, विजिलेंस विभाग में अधिकारियों की कमी दूर करने का दिया था आदेश। दिल्ली में अभिभावकों के लिए राहत की खबर, केजरीवाल सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली के अभिभावक 273-52525 डायल कर दर्ज करा सकते हैं शिकायत, 10 जनवरी से काम करेगा नंबर। दिल्ली में कूड़ेदान में नवजात बच्ची को फेंकने के मामले में अस्पताल के दो कर्मचारी सस्पेंड, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सस्पेंड होने वाले कर्मचारियों में एक हाउस कीपिंग स्टाफ, दूसरा सुरक्षाकर्मी। चानन देवी अस्पताल में कूड़ेदान में मिला था नवजात का शव। अस्पताल प्रबंधन ने पहले मानवीय भूल की कही थी बात, मामले की जांच कराने का दिया था भरोसा। दिल्ली के सीएम ने दिए थे कार्रवाई के आदेश, कहा था इंसानियत के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रविवार को पैदा हुई थी बच्ची, तबीयत खराब होने पर चानन देवी अस्पताल में कराई गई थी भर्ती, मौत के बाद मॉर्चरी में रखने के बजाय अस्पताल ने कूड़े में फेंका था। मुजफ्फरनगर के दो युवकों के संपर्क, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से होने पर यूपी पुलिस में ही मतभेद, मेरठ आईजी ने कहा खबर में सच्चाई नहीं, लखनऊ आईजी ने दोनों युवकों के नाम बताए। आईजी अमरेंद्र सिंह सेंगर ने माना मुजफ्फरनगर आई थी दिल्ली पुलिस, जमीरुल इस्लाम और लियाकत से की थी पूछताछ। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने जनपद मुजफ्फरनगर के दो व्यक्तियों से संपर्क। आईजी अमरेंद्र सिंगर ने कहा मेवात के आतंकी जबीर और लियाकत ने किया था जमीरुल और लियाकत से संपर्क, लेकिन दोनों थे निर्दोष, दिल्ली पुलिस ने दोनों का बयान दर्ज कर छोड़ा। 2 और 3 जनवरी को मुजफ्फरनगर में थी दिल्ली पुलिस की टीम, स्थानीय लोगों से भी की गई थी पूछताछ। बसीकला राहत शिविर में पहुंचे मेरठ जोन के आईजी आशुतोष पांडे, कहा यहां के युवक से आईएसआई के संपर्क वाली खबर में नहीं है कोई सच्चाई। मुजफ्फरनगर में लश्कर कनेक्शन पर यूपी प्रशासन का खंडन, प्रधान सचिव गृह का बयान, हमें नहीं है जानकारी, आईबी के हवाले से आई थी खबर। मेवात से गिरफ्तार आतंकियों ने किया था सनसनीखेज खुलासा, मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित युवकों के संपर्क में थे लश्कर के आतंकी। अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा ये तो होना ही था। उसी दिन अंदाजा हो गया था जब उन्होंने ऐसा कहा था। अब जाहिर है युवराज की बात को सच्चा करने के लिए भी ऐसा हो सकता है और ऐसा हो भी सकता है। फेक ट्विटर अकाउंट के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे अमित शाह, कहा कोई और कर रहा है उनके नाम का भेजा इस्तेमाल। गोंडा के सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह ने यूपी सरकार को कोसा, कहा SP के विधायक हर काम में ले रहे हैं 10% कमीशन। ब्रजभूषण चरण सिंह गोंडा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे लोकसभा चुनाव, लेकिन अब BJP से चुनाव लड़ने की है खबर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दोबारा शुरू किया जनता दरबार, लेकिन सत्ता से बाहर रहकर जनता दरबार लगाने पर उठे सवाल। संजय निरुपम के बाद कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त ने भी मुंबई के लोगों के लिए मांगी सब्सिडी, महंगी बिजली से राहत देने की मांग। गया का डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव कॉल गर्ल के साथ गिरफ्तार, पुलिस ने गैंगरेप और अपहरण का मामला भी ठोका। पटना के होटल से दो लड़कियों के साथ पकड़ा, 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया डिप्टी मेयर।
अभिनेता बमन ईरानी के बेटे दानिश पर 425 करोड़ के क्यूनेट घोटाले से जुड़े होने का आरोप, आर्थिक अपराध शाखा में मामला दर्ज। शिकायत करने वाले का दावा, बमन ईरानी ने किया था क्यूनेट को प्रमोट, उनके बेटे ने कंपनी के साथ किए पैसे के लेन देन। मुंबई क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, एनएसईएल घोटाले को लेकर निवेशकों ने जताई नाराजगी। मराठी अभिनेत्री अलका पुणेवर मामले में नया मोड़, पुलिस के मुताबिक चेन्नई में है हीरोइन, रहस्यमय तरीके से गायब होने की आई थी खबर। अपने पति की प्रताड़ना से बचना चाहती थी अलका, ड्राइवर की मदद से किया नाटक। चेन्नई के पुलिस स्टेशन में एकाएक चली गोली से नाबालिग घायल, पुलिस इंस्पेक्टर से अनजाने में दब गया था पिस्टल का ट्रिगर। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग से इंस्पेक्टर कर रहा था पूछताछ, मुंह में डाल दी थी पिस्टल, एकाएक चल गई गोली, नाबालिग की हालत नाजुक। बैंगलोर में 8 साल की बच्ची से रेप, 13 साल के नाबालिग पर रेप का आरोप। सतना के तोर्रा गांव में चूने की खदान धंसने से 9 की मौत, मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल। जेसीबी मशीन की मदद से लोगों को निकाला गया, अवैध रूप से चल रही थी चूने की खदान, सरकार ने एक लाख का मुआवजा दिया। पटियाला पुलिस ने कनाडा का एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार किया, जेल में बंद भोला की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक देश भर में 6,000 करोड़ का ड्रग बेच चुका है देव, पंजाब में ड्रग तस्करी का इंटरनेशनल ड्रग रैकेट कर रहा है काम। उत्तराखंड की आपदा पीड़ित को नहीं मिली छूट, वित्त मंत्रालय ने बैंक लोन का ब्याज चुकाने में 1 साल की दी थी छूट। दिल्ली के आशा किरण होम में पिछले 2 महीने में 12 मंदबुद्धि बच्चों की मौत, बद इंतजामी और ठंड की वजह से हुई बच्चों की मौत। फरीदाबाद में रहस्यमय तरीके से 16 साल के युवक की मौत, खिड़की से लटकी मिली लाश, बंधे थे हाथ और पैर। शव के पास मिली एक चिट्ठी, चिट्ठी में लिखा, जो भी रास्ते में आएगा उसका होगा यही हश्र, गुस्साए परिजनों ने शव के साथ चौक पर लगाया जाम। दिल्ली के शकूरपुर में मकान के बेसमेंट में लगी आग, आग से 4 बच्चों समेत 11 लोग घायल। मकान के बेसमेंट में बंधा था प्लास्टिक का दाना, आग के बाद हुआ था तेज धमाका। रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकार के बीच आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, केजरीवाल सिंह के निवेश की रकम को लेकर है विवाद। होंडा ने लॉन्च की नई सेडान, डीजल में अब तक सबसे ज्यादा माइलेज का किया दावा, 1 लीटर में डीजल में दौड़ेगी 26 किलोमीटर। दिल्ली में पेट्रोल वेरियंट की एक्स शोरूम कीमत है 7,42,000, डीजल मॉडल की एक्स शोरूम कीमत है 8,62,000। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति लाएगी बिना क्लच वाली कार, 2014 के ऑटो एक्सपो में होगी नुमाइश। ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी होगी मारुति, छोटी कारों के सेगमेंट में होगा बड़ा बदलाव। पहाड़ी इलाकों पर जिंदगी पर जमी बर्फ, श्रीनगर में -6 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। घाटी में जारी बर्फबारी से इंसानों के साथ साथ जानवर भी बेहाल, कश्मीर में जंगलों में जमी बर्फ की वजह से हिरणों को नहीं मिल पा रहा खाने के लिए चारा। हिमाचल में भारी बर्फबारी की चेतावनी, चंबा लाहौल स्पीति में पारा -10 डिग्री से नीचे पहुंचा। आने वाले 2-3 दिनों में शिमला और आसपास के इलाकों में होगा जबरदस्त हिमपात, मौसम विभाग ने जताई बारिश की भी संभावना। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी का सतम जारी, अभी नहीं मिलने वाली कपकपा देने वाली ठंड से राहत। भीषण बर्फबारी से अंटार्कटिका से भी ठंडा हुआ अमेरिका, 20 साल का टूटा रिकॉर्ड, कई जगहों पर पारा -45 के नीचे। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में -18 के आसपास तापमान, सड़कों पर लगा है बर्फ का अंबार, न्यूयॉर्क के गवर्नर ने घोषित की इमरजेंसी। इंडियाना पुलिस में भी सर्दी से मौत की खबर, एक बुजुर्ग महिला की लाश घर के बाहर मिली। सर्द मौसम का हवाई सेवाओं पर बुरा असर, शिकागो समेत कई शहरों में हजारों उड़ानें रद्द।
मुशर्रफ की बीमारी को लेकर उठ रहे हैं सवाल। सूत्रों के मुताबिक मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट में दिल और श्वसन तंत्र में नहीं है कोई भी असामान्य दिक्कत।